हेलो बच्चों, मैं रोशन सर आप सबका मेड्स कॉलेज में फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे रेडियल फिजियोलॉजी का सेकेंड लेक्चर, है ना। पहला लेक्चर में हम क्या क्या डील किए थे यार? पहला लेक्चर में हम एक्सक्रेटरी फंक्शन को डील किए थे, एक्सक्रेटरी फंक्शन को डील किए थे। इसमें क्या कहे थे कि यूरिया यूरिया प्लस क्रिएटिनिन के बारे में कुछ कुछ बोले थे, है ना, कि हम लोग क्रिएटिनिन जो होता है आपका क्या होता है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसका अगर अब हमारे बॉडी में अगर कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो गया तो हम लोग मानेंगे कि हमारा रेनल फेलियर है। और क्या डील किए थे? ड्रग्स के बारे में डील किए थे, ड्रग्स के बारे में, कि हम लोग बोले थे कि वाटर सॉल्युबल जो ड्रग्स होता है, वो हम लोग का जल्दी से एक्सक्रीट हो पाता है। क्या हो पाता है? जल्दी से एक्सक्रीट हो पाता है ना। लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग्स होते हैं जैसे स्टीरॉयड वगैरह, वो जल्दी हमारे बॉडी से निकलते हैं क्या? नहीं निकलते। तो वो किस में कन्वर्ट करते हैं? वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते थे? तो हम लोग बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन करके हम कुछ पढ़े थे। क्या पढ़े थे? बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन पढ़े थे। और वो कहाँ पे हो रहा था? लिवर के पास हो रहा था। वह तो पहला हो गया एक्सक्रीटरी फंक्शन। बाद में जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, अभी जो हम पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे, दूसरा होता है रेगुलेटरी फंक्शन। क्या फंक्शन? रेगुलेटरी फंक्शन। तो हमारा किडनी क्या क्या को रेगुलेट करता है, हमारा किडनी क्या चीज़ को रेगुलेट करता है? तो पहला क्या होता है, पहला सबसे पहले वाटर H2O बैलेंस करता है, H2O बैलेंस करता है। फिर क्या करता है सेकेंड में क्या करता है? इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है ना। तीसरा क्या करता है यार? तीसरा क्या करता है? एसिड बेस बैलेंस करता है। तो पहला आते हैं वाटर बैलेंस पे। देखिए वाटर बैलेंस अभी इतना हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पूरा इसको डिटेल में पढ़ना है। तो अगर हमारा जो H2O बैलेंस की अगर बात करूं, क्या H2O अगर बैलेंस की बात करूं, तो अगर हम क्या अगर हम लोग ज़्यादा पानी पिए, तो हम ज़्यादा यूरिनेट करेंगे, है ना। अगर हम ज़्यादा पानी पिएंगे तो ज़्यादा सुसु करेंगे? नहीं करेंगे, करेंगे। फिर एक और क्या है, अगर हम कम पानी पिए, मान के चलो हम गर्मी के दिन में कम पानी पिए, अभी भी कम पानी पिएंगे तो कम सुसु करेंगे ना, है कि नहीं। तो ये हम लोग का किस पे निर्भर करता है? किडनी पे निर्भर करता है, किडनी पे निर्भर करता है ना, कि हम ज़्यादा सुसु करेंगे या कम सुसु करेंगे। इसको हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे किस में, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम, अल्डोस्टेरोन सिस्टम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। आगे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, है ना। फिर दूसरा आते हैं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के ऊपर, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ये जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है इसका मतलब आप क्या समझते हैं? जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है इसका मतलब क्या समझते हैं? इसमें क्या है कि हम लोग का अलग अलग आयन्स होते हैं हमारे बॉडी में, है ना, हमारे बॉडी में अलग अलग आयन्स होते हैं, जैसे कि सोडियम, और क्या होता है? पोटेशियम। हम पहले सोडियम और पोटेशियम की बात करते हैं, उसके बाद हम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट के ऊपर जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की बात करें तो हम लोग का सोडियम और पोटेशियम का हम थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं। अब कहोगे कि सोडियम का लेवल कितना होता है हमारे नॉर्मल ब्लड में, सोडियम का लेवल कितना होता है? तो होता क्या है, 100 100, इसका डाटा कुछ है, 135 से, 135 से कितना, 145, कितना बोला मैंने, 135 से 145 क्या मिली मोल पर लीटर। क्या होता है सोडियम का लेवल कितना होता है? 135 से 145 मिली मोल पर लीटर। और क्या पोटेशियम का लेवल क्या होता है, आप बोलोगे नहीं यार इतना सा बहुत, मतलब 135 है तो इसको नहीं, थोड़ा सा इसको आसपास रखते हैं कि नहीं। अब क्या बोल रहे हो, 4 5 6 7 10 15 16 20, क्या कह रहे हो आप? सोच रहे हो नहीं सोडियम का जितना लेवल होता है भैया पोटेशियम का उतना ही रहे? नहीं, हमारे बॉडी में क्या होता है, पोटेशियम का जो लेवल होता है बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। जैसे कितना होता है, तो 3.5 से लेके आपका 4.5, 3.4 से लेके इसको 5.5 कर दीजिए, 5.5 मिली मोल पर लीटर के हिसाब से होता है। सोडियम का लेवल कितना, 135 से 145, और पोटेशियम का लेवल कितना,
3.5 से 5.5 मिलीमोल पर लीटर। अरे यार इसका ए जरूर देना, मतलब ये जो पीछे लिखा हुआ है ना, जो मिलीमोल पर लीटर, नहीं तो तुम बोलोगे सोडियम कितना, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, या 1 बकेट 2 बकेट, ऐसा तो नहीं है। एक यूनिट होना चाहिए ना कि 135 से 145 मिलीमोल, और इसका कितना है 3.5 से 5.5 मिलीमोल। अब अगर कोई डाटा पूछेगा कि इस सोडियम और पोटेशियम में कौन सा हमारे बॉडी में ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है, मैंने किसी का डाटा अगर याद रखना है कि सोडियम अगर हमारे बॉडी में ज्यादा होगा या कम होगा, या पोटेशियम अगर ज्यादा होगा कम होगा, कौन सा ज्यादा नुकसान है। नुकसान होगा, दोनों में नुकसान है, लेकिन किसमें ज्यादा नुकसान है, समझे? मतलब दोनों नुकसान होगा, ऐसा नहीं कि सोडियम में नहीं होगा और पोटेशियम में नहीं होगा, ऐसा नहीं है, दोनों में नुकसान होगा, लेकिन मतलब जो किसमें ज्यादा होगा, सोडियम में ज्यादा होगा या पोटेशियम में। तो आज से जान लीजिए कि हम लोग का जो पोटेशियम है ना, पोटेशियम इसमें ज़्यादा मतलब खतरनाक होता है, पोटेशियम जो होता है बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इसका लेवल अगर 2.5 से अगर 6.5 हो गया, मतलब अगर डिक्रीज कर गया 2.5 से और 6.5 से इंक्रीज कर गया, तो बहुत दिक्कत है। अब बोलेगा क्या दिक्कत है, तो ये जो कंडीशन है, जैसे पोटेशियम 2.4 हो गया, तो इसको क्या कहते हैं, हाइपोकैलेमिया। अगर 6.5 हो गया तो क्या होगा, इसको कहते हैं हाइपोकैलेमिया और हाइपरकैलेमिया। अगर ये दोनों कंडीशन में क्या होता है कि दोनों कंडीशन हम लोग का क्या लीड करता है, टैकीकार्डिया, और आदमी मर सकता है, ये फैटल होता है, है ना। तो हम लोग सोडियम और पोटेशियम, मतलब सोडियम का भी देखिए, अब सोडियम हो सकता है कि सोडियम 135 से 145 है ना, ये मान के चलिए 125 से भी कम हुआ और 155 हो गया, 165 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब मतलब मैनेज हो सकता है, लेकिन हम लोग पोटेशियम के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। भैया बोलते हैं ना, मैंने अगर जहर थोड़ा ही काफ़ी होता है, ज़्यादा जहर जरूरी नहीं है, थोड़ा में ही काफ़ी है, तो पोटेशियम ऐसा ही टाइप का मतलब होता है। और पोटेशियम को निकालने का सबसे ज़्यादा काम कौन करता है, तो रेनल सिस्टम करता है। पोटेशियम जो हमारे बॉडी से निकलता है उसको निकालने का कौन काम करता है सबसे ज़्यादा, तो किडनी कर रहा होता है, समझे। अगर मान के चलिए किसी का किडनी खराब हो गया, तो पोटेशियम का लेवल उसमें ज़्यादा, अगर पोटेशियम का लेवल ज़्यादा, तो हो सकता है कि मतलब उसको क्या हो जाए, टैकीकार्डिया हो जाए, है कि नहीं। तो आगे हम पढ़ते हैं अलग आयंस, है ना, कौन कौन सा, तो क्लोराइड, और क्या होता है यार, बाइकार्बोनेट, और क्या होता है, कैल्शियम। इसका डाटा कुछ कुछ है, थोड़ा बहुत याद रखना चाहिए। तो क्लोराइड का जो डाटा है आपका कितना है, 100 मिलीमोल पर लीटर। बाइकार्बोनेट का क्या है, 22 से 28 मिलीमोल पर लीटर। और कैल्शियम का कितना है, 2.5 मिलीमोल पर लीटर, है ना। नॉर्मल इसे थोड़ा बहुत याद करना है, बस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम, खासकर पोटेशियम को हम लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि ये अगर हमारे बॉडी में कम या ज़्यादा होता है तो दिक्कत कर सकता है। अब बोलोगे बाइकार्बोनेट, जो बाइकार्बोनेट हमें पता है ना यार, ये क्या करता है, पीएच को बैलेंस करता है ना, जो बाइकार्बोनेट क्या करता है, पीएच को बैलेंस करता है कि नहीं, बफर, ये जो बाइकार्बोनेट है बफर की तरह काम करता है, एक्ट एज अ बफर, समझे। कैल्शियम जैसे हम लोग का बॉडी में 2.5 मिलीमोल रहना चाहिए, इससे ज़्यादा या कम हुआ तो फिर हम लोग को दिक्कत हो सकता है, है ना। तो ये हुआ आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये हम लोग पढ़े इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। फिर आता है एसिड बेस बैलेंस। अब एसिड बेस बैलेंस में देखिए, एसिड बेस बैलेंस में अगर हमारे बॉडी में क्या होता है कि एसिडिटी ज़्यादा हो गया, क्या हुआ, एसिडिटी ज़्यादा, मतलब H प्लस आयन का मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा, अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो pH हमारा क्या हो गया, कम हो गया। तो हमें पता है कि हर एंजाइम उसका अपना अपना pH होता है कि नहीं होता है,
अपना अपना पीएच होता है काम करने का, मतलब वो अपने ऑप्टिमम जो पीएच पे काम करते हैं, है कि नहीं। तो अगर आप हमारे बॉडी में पीएच अगर हमारा क्या हो डिस्टर्ब हो जाए, क्या हो जाए डिस्टर्ब हो जाए, तो फिर दिक्कत है। मतलब एंजाइम अच्छे से काम कर पाएंगे क्या? एंजाइम जो है आपका अच्छे से कर पाएंगे काम? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारे बॉडी का जो पीएच है हर जगह अपना एक सूटेबल रहना चाहिए, ताकि हमारे एंजाइम अच्छे से काम कर पाए, है ना। सूटेबल होना चाहिए ताकि हमारा हमारा एंजाइम काम कर पाए। अगर मान के चले हमारा ज्यादा अगर एच प्लस हो गया, तो उसको क्या करेंगे, एच प्लस सीक्रेट करेंगे हम लोग का नेफ्रॉन में, है ना, फिर उसको यूरिन के थ्रू निकालेंगे, समझे। तो ये सब हमारा एसिड बेस बैलेंस ऐसे हो रहा होता है। तो ये हम लोग का रेगुलेटरी फंक्शन गया। रेगुलेटरी फंक्शन में क्या क्या पढ़े यार, वाटर बैलेंस, और क्या पढ़े, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, और तीसरा एसिड बेस बैलेंस हुआ। फिर आता है एंडोक्राइन फंक्शन। पहले तो भैया एंडोक्राइन है क्या, अब इतना तो हमें पता ही है ना यार, मतलब इतना तो हमारे गोलू को ही पता है, ये हमारा गोलू है ना, गोलू को ही पता है, क्लास 5 में बताया गया कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। तो ये गोलू क्या बोलता है, अगर गोलू से अगर फिर से पूछा जाए कि भाई गोलू बता क्या एंडोक्राइन फंक्शन, मतलब एंडोक्राइन सिस्टम होता है, तो क्या बोलेगा कि वो सिस्टम जिसमें ग्लैंड जो होता है वो अपना केमिकल किसमें सिक्रेट करे, केमिकल किसमें सिक्रेट करे, ब्लड में सिक्रेट करे, किसमें, ब्लड में डायरेक्टली सिक्रेट करे, और ये ब्लड के थ्रू कहाँ पे, टारगेट ऑर्गन के पास जाए, यहाँ पे मेन चीज क्या होता है यार, यहाँ पे कोई डक्ट नहीं होता है, डक्ट यहाँ पे यूज नहीं होता है ना, ये हमारा का एंडोक्राइन सिस्टम है। तो हम लोग किडनी का एंडोक्राइन फंक्शन क्या है, किडनी क्या क्या सीक्रेट करता है, तो पहला क्या है, एरिथ्रोपोएटिन। ये नाम से आप लोग हमेशा मैंने रूबरू हो रहे होंगे, ऐसा नहीं, एरिथ्रोपोएटिन पहले भी सुने होंगे, एरिथ्रोपोइसिस होता है, क्लास 11 12 में हम लोग पढ़े हैं कि एरिथ्रोपोइसिस मतलब क्या, आरबीसी का बनने का होता है ना, एरिथ्रोपोएटिन यही हार्मोन से वो बनता है। पढ़ेंगे एरिथ्रोपोएटिन कैसे बनता है, वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे हुआ। फिर दूसरा क्या है, रेनिन, RENIN, याद रखिएगा यार, RENIN। एक और होता है आपका RENIN, या ए मत भूल कीजिएगा, RENIN कहाँ पे होता है, कहाँ पे, डाइजेशन में हम पढ़ते हैं, मिल्क डाइजेस्टिंग एंजाइम, रेनिन, लेकिन रेनिन यहाँ पे ए वाला होगा, है ना। तीसरा क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन को डील कर लेते हैं, ये क्या करता है प्रोस्टाग्लैंडिन, ये हम लोग का भासो डायलेटर की तरह काम करता है। क्या काम करता है, भासो डायलेटर की तरह काम करता है, कौन, प्रोस्टाग्लैंडिन, है ना। ये हम लोग का नेफ्रॉन में रेनल फ्लो करवा रहा होता है। वाह। फिर आते हैं एरिथ्रोपोएटिन फिर क्या काम करता है। पहले तो ये आना चाहिए कि एरिथ्रोपोएटिन बनाता कौन है, है ना। तो आ जाते हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं यार एरिथ्रोपोएटिन के बारे में, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ये इम्पोर्टेंट है ना। एरिथ्रोपोएटिन, जो एरिथ्रोपोएटिन है इसको बनाता कौन है, कौन बनाता है, कहो, नहीं कहोगे। एरिथ्रोपोएटिन जो है हम लोग का पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है ना, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ थोड़ा सा, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज किसके आजू बाजू होते हैं यार, नेफ्रॉन के आजू बाजू क्या होते हैं आपका, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होते हैं। ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है, यहाँ के जो कौन सा सेल, ये जो अंदर वाला सेल है, इसको क्या कहते हैं, एंडोथेलियल सेल्स, है ना। यहाँ पे क्या बनते हैं, यहाँ से आपका
एरिथ्रोपोइटिन बनता है। यहाँ से क्या बनता है? एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बनता है। अब एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कैसे बनता है तो देखिए, मैं एक सेल बना रहा हूँ ऐसा, इसका मैं एक सेल यहाँ पे एक सेल बना रहा हूँ, मैं एक सेल बना रहा हूँ, उसके न्यूक्लियस बना रहा हूँ, वाह। हमें ये जानना चाहिए कि एरिथ्रोपोइटिन कब बनता है, जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए। एरिथ्रोपोइटिन कब बनता है? हमारे बॉडी में तब बनेगा जब हमारे बॉडी का ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है, कम हो जाता है। तो उस समय आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो कौन करवाता है? तो एरिथ्रोपोइटिन करवाता है। तो एरिथ्रोपोइटिन कैसे करवाता है उसका हम मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे, है ना। देखिए, मान के चलिए हम लोग का ऑक्सीजन का लेवल हमारे बॉडी में अभी अभी नॉर्मल है। केस वन हम करते हैं, हमारे बॉडी में क्या है, ऑक्सीजन का लेवल अभी नॉर्मल है। ये क्या है? नॉर्मल है, है ना। जब नॉर्मल होता है तो ये वाला फ्लो करेगा, मतलब अभी ऑक्सीजन का नॉर्मल फ्लो है तो अभी नीचे आएगा। जब आएगा तो इस सेल के पास जाएगा, माने एंडोथेलियल सेल है। कौन सा सेल है? एंडोथेलियल सेल किसका? कैपिलरी का। जब ये ऑक्सीजन जब आएगा यहाँ पे तो ये इसके अंदर एंटर करेगा, किसके अंदर? सेल के अंदर। सेल के अंदर जब एंटर करता है तो ये जो आपका सेल के ऊपर एक क्या होते हैं, ऑक्सीजन रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑक्सीजन रिसेप्टर, समझे ना, ऑक्सीजन सेंसिटिव रिसेप्टर। ये जो ऑक्सीजन, ये कौन सा, ये वाला देखिए, अभी एक रिसेप्टर है ना। तो हमारे बॉडी में जब ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है यार, नॉर्मल है। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मल है तो ये जब क्रॉस करेगा इस सेल से, तो ये सेल पे जाके ये जो अंदर गया ये क्या करेगा, रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा। ये बाइंड होने से क्या होगा कि आपका जो ये ऑक्सीजन वाला था ना, ये ऑक्सीजन रिसेप्टर, ये एक्टिवेट हो जाता है। अभी तक यहाँ रहने दीजिए, ये एक्टिवेट हो गया, है ना। एक और चीज़ आपको बताना है कि इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर एक क्या होते हैं, जीन होते हैं जिसका काम क्या है एरिथ्रोपोइटिन बनाना, समझे। तो क्या होता है, ये जो आपका अभी एक्टिवेट हो गया, ये जो आपका जो ऑक्सीजन सेंसिटिव रिसेप्टर जो एक्टिवेट हो गया, ये क्या करता है, ये जाता है न्यूक्लियस के अंदर, ये मेम्ब्रेन क्रॉस करके न्यूक्लियस के अंदर जाता है और ये वाला जो जीन को, ये जो एरिथ्रोपोइटिन फॉर्मिंग जीन को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। समझे क्या? फिर से मैं समझाता हूँ। हमारे बॉडी मान के चले नॉर्मल ऑक्सीजन है, है ना। अब नॉर्मल ऑक्सीजन है तो वो हमारे एंडोथेलियल सेल के पास जाएगा कि नहीं जाएगा? एंडोथेलियल सेल के ऊपर क्या लगा हुआ रहता है? ऑक्सीजन सेंसिटिव रिसेप्टर लगा हुआ रहता है। तो जब ऑक्सीजन जब आएगा, ये जैसे ऑक्सीजन आया, ये रिसेप्टर लगा हुआ है तो ये बाइंड करेगा, ये जब बाइंड करेगा तो ये क्या होगा, एक्टिवेट हो गया। ये एक्टिवेट होने के बाद ये क्या करता है, न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है। और न्यूक्लियस में क्या करता है, जो हम लोग का एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो बनाने वाला जो जीन है उसको इनएक्टिवेट कर देता है, उसको इनहिबिट कर देता है, बोलता है कि नहीं, बनाना जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे सिग्नल मिल गया है कि ऑक्सीजन है हमारे बॉडी में। समझ में आया? चलिए ठीक है। अब मान के चलिए हम लोग का बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, क्या हो गया है, एक और कंडीशन हम बना लेते हैं। मान के चलिए अभी एक फिर से एक और सेल बनाता हूँ, ये न्यूक्लियस उसका, है ना, ये रिसेप्टर है, ये मेरा ऑक्सीजन। हमारे बॉडी में क्या हुआ, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। अब ऑक्सीजन लेवल अगर कम हो गया है तो क्या होगा, ये वाला जाके क्या बाइंड करेगा? क्या बाइंड नहीं करेगा, क्योंकि कम हो गया है, चांसेस कम हो जाएंगे बाइंड करने का, है ना, बाइंड करने का चांसेस क्या हो जाएंगे, कम होंगे। अब चांसेस जब कम हो जाते हैं तो ये वाला क्या करता है, ये वाला अंदर की ओर आएगा नहीं। ये जो आपका कौन सा ऑक्सीजन सेंसिटिव जो आपका रिसेप्टर है वो क्या होगा, अंदर की ओर आएगा नहीं।
अब अंदर की ओर आएगा नहीं, तो इसके अंदर जो जीन है भैया, इसको कोई मना करने वाला है क्या? इस सेल के जो न्यूक्लियस के अंदर जो जीन है उसको कोई मना करने वाला है? नहीं है ना, तो उसको कौन मतलब कौन रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। वो क्या बनाएगा? वो एरिथ्रोपोइटिन बनाते रहेगा। एरिथ्रोपोइटिन क्या करेगा? बनाता रहेगा। अब जब एरिथ्रोपोइटिन बनाएगा तो ये एरिथ्रोपोइटिन कहाँ पे होगा तुम्हारे, मतलब यहाँ से निकलेगा, ये ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा, है ना? कहाँ जाएगा? ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा। अब ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा कहाँ पे जाएगा? ये आपका बोन मैरो के पास जाएगा, बोन मैरो के पास जाएगा। और बोन मैरो में क्या कराएगा? एरिथ्रोपोइसिस करवाएगा। क्या कराएगा? एरिथ्रोपोइसिस करवाएगा, आरबीसी का फॉर्मेशन कराएगा, आरबीसी का फॉर्मेशन कराएगा, और इसका मैचुरेशन भी कराता है। समझे क्या? समझे? एरिथ्रोपोइसिस कराएगा और आरबीसी का फॉर्मेशन होगा। हुआ? तो इससे हमें यह पता चला कि अगर हम लोग का किसी का किडनी खराब हो गया है, क्या हो गया है? किसी का किडनी खराब हो गया दोनों, तो उसमें दिक्कत क्या होगा? फिर उसको एनीमिया होने का चांसेस हो जाएगा, एनीमिया होने का चांसेस हो जाएगा। क्यों बोलो? क्योंकि वहाँ पे आरबीसी का काउंट जो होगा कम होगा। अब आरबीसी काउंट क्यों कम होगा? क्योंकि आरबीसी जो बनाने वाला जो प्रोटीन होते हैं, आरबीसी को बनाने वाला जो प्रोटीन होते हैं, एरिथ्रोपोइटिन ही नहीं निकलेगा। समझे? तो इस कंडीशन में क्या होता है, आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा मेथड निकल गया है, आर्टिफिशियली हम लोग एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो होता है, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है ना, इंजेक्ट करते हैं हमारे बॉडी में। इंजेक्ट करते हैं कहाँ पे? हमारे बॉडी में इंजेक्ट बॉडी में करेंगे, तब हम लोग का आरबीसी का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा। अब बोलोगे कितना दिन? मान के चलो हम, मैंने आज अगर एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का मैंने इंजेक्शन लिया है तो कब तक हमारा ठीक होगा? तो टोटल हो सकता है 7 दिन लगे, 7 दिन के अंदर आरबीसी फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। समझे? हुआ? एरिथ्रोपोइट। फिर दूसरा जो हार्मोन है रेनिन, ये जो रेनिन हार्मोन है इसको हम लोग पढ़ेंगे रासलीला में। ये अलग से मैं एक मैंने टॉपिक बना दूंगा, ये अलग से हम एक टॉपिक मैं बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, उसमें एक पूरा सिस्टम ही है समझाऊंगा, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है ना, कैसे हम लोग का एक काम आता है, कब हम लोग का बीपी जब डिक्रीज होता है तो एक कब, जैसे जब भी हमारा बीपी डिक्रीज हो गया और जब कभी भी बीपी इंक्रीज हो गया तो हम लोग का उसमें क्या होता है कि पानी की कमी हो जाती है ना, उस समय वाला सिस्टम एक्टिवेट होता है। अभी के लिए हम जानते हैं कि रेनिन निकलता कहाँ से है, रेनिन निकलता कहाँ से, तो रेनिन हम लोग का जेजी अपरेटस से निकलता है, जेजी अपरेटस से निकलता है ना, जेजी अपरेटस से निकलता है। और क्या काम करता है ये रेनिन, क्या करवाता है? एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन को फॉर्मेशन में काम करता है, एंजियोटेंसिन फॉर्मेशन में काम करता है। हुआ? चलिए ठीक है। फिर तीसरा पे आ जाते हैं यार, देखो पहला पहला फंक्शन क्या हुआ, पहला फंक्शन हमारा मैंने हम लोग पढ़ लिए रेगुलेटरी फंक्शन है ना, फिर दूसरा में एंडोक्राइन फंक्शन, एंडोक्राइन फंक्शन में फिर तीन ठो हार्मोन के बारे में बात कर रहे थे, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है ना, उसके बाद रेनिन हार्मोन और एक और प्रोस्टाग्लैंडिन। तो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन पूरा देखे कि कैसे हम लोग बॉडी में जब ऑक्सीजन की लेवल क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, तो कैसे बनता है, नहीं बनता है ना। उसके बाद रेनिन की बात करें, बोला रेनिन हम लोग अलग अलग वीडियो एक बनाएंगे, सेपरेट वीडियो बनाएंगे। फिर प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? वासोडायलेटर की तरह काम करता है और हमारा इंटरनल रेनल ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है ना। फिर आते हैं हम लोग मेटाबॉलिक फंक्शन में, क्या है यार? मेटाबॉलिक फंक्शन में क्या आएगा, मेटाबॉलिक फंक्शन में क्या आएगा? तो बहुत सारे चीज़ें मेटाबोलाइज करता है, जैसे कि हम लोग का मेटाबॉलिज्म मतलब ऐसे समझिए कि हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से है ना। अभी हमने क्या किया, एक हमारा जो हमारे बॉडी में क्या होता है, विटामिन डी बनता है ना, विटामिन डी कैसे बनता है कुछ पता है, कुछ पता है? चलिए, गोलू को पता नहीं है, ये गोलू गोलू तुझे कुछ पता नहीं है, है ना, कुछ पता नहीं है तुझे, बुड़बक है एकदम, बुड़बक गोलू, बुड़बक है, कुछ नहीं पता। चलो गोलू कोई दिक्कत नहीं, समझते हैं अभी। तो हम लोग क्या विटामिन डी कैसे क्या होता है पहले समझते हैं।
ये जो मेटाबॉलिक फंक्शन है इसमें क्या होता है, इनएक्टिव इनएक्टिव विटामिन डी को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, एक्टिव विटामिन डी में। क्या इनएक्टिव विटामिन डी को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, एक्टिव विटामिन डी में। तो हम जब इस कहाँ पे सूरज की किरणें जब लेते हैं सुबह सुबह उठ के, या फिर कहीं लेते हैं खड़ा हो जाते हैं धूप में ना, अभी अभी ठंडी के दिन हो, ठंडी लग रहा है ना, क्या करते हैं सुबह आराम से, कितना बजे 9-10 बजे उठ रहे हैं यार, मतलब ठंडी, मतलब इतना कुहुड़ी जो है ना, कुहुड़ी धुन धुन कोहरा पड़ रहा है ना, इतना कोहरा पड़ रहा है, मतलब उठने का भी मन नहीं कर रहा है, रजाई के अंदर आराम से सोए रहो वही अच्छा लग रहा है। सबसे मुझे अगर आपको कोई बोलेगा सबसे अच्छा सीजन कौन सा है ना, तो मैं बोलूँगा भैया ठंडी का दिन है, काम करने को कम पड़ता है ना, सोना आराम से, मतलब लंबा समय तक जीवन में यही जो 2 महीना होते हैं ना अच्छे महीने होते हैं। गर्मी के दिन में तो मैं मतलब सोने नहीं देगा, इतना गर्मी लगेगा है ना, बाहर निकलने को निकलोगे नहीं, घूमने का भी सीजन अभी ही है ना। बारिश का दिन मतलब यार हर जगह कीचड़ ही कीचड़, मैंने कहीं कुछ कर ही नहीं सकते, तो बच्चा एक ठंडी का वही तो बता रहा, ठंडी में मतलब सबसे अपने कूल कूल है, आराम से पहन लीजिए, आराम से सो जाइए, क्लास में ही मजा आता है ना। चलिए कोई बात नहीं, चलिए मैं जब ठंडा लग रहा है मैं क्या करता हूँ, बाहर जाकर खड़ा रहता हूँ, तो बाहर में जब मैं खड़ा रहता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, सूरज की किरणें जब हमारे ऊपर पड़ेंगी तो क्या बनेगा यार, हमारे स्किन से क्या बनेगा, स्किन में क्या बनता है, कोली कालकी फेरॉल, कोली कालकी फेरॉल, CCF, कोली कालकी फेरॉल है ना। ये जो कोली कालकी फेरॉल है ये क्या होता है, कोली कालकी फेरॉल ये क्या होता है, ये हम लोग का किस में गुजरता है, ये हम लोग का लीवर में से पास होता है, कहाँ से, लीवर से पास आउट होगा, हुआ लीवर से पास आउट होता है, इसमें कुछ चेंजेस होगा, लीवर क्या करता है, कुछ चेंज करता है, क्या चेंज करता है, तो यहाँ पे हाइड्रोलक्स हाइड्रोलाइजेशन करता है, हाइड्रोलाइजेशन है ना, मतलब इसमें OH, यहाँ पे ये जो कोलिकैल्किफेरॉल है ना इसका 25 पोजीशन पे OH का एडिशन करता है, 25 पोजीशन पे OH का एडिशन करेगा है ना, तो इसको क्या कहते हैं, 25 हाइड्रोक्सी, 25 हाइड्रोक्सी कोली कैल्किफेरॉल है ना, CCF, इसको CCF लिख देते हैं, कोली कैल्किफेरॉल, मतलब कोली कैल्किफेरॉल जो CCF था वो क्या हुआ, लीवर से गुजरा और वो किस में कन्वर्ट हुआ, 25 हाइड्रोक्सी CCF, मतलब 25th पोजीशन वाले कार्बन पे वहां पे क्या ऐड करवाया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करवाया हुआ। अभी भी ये चीज क्या होता है, इनएक्टिव होता है, ये क्या होता है, इनएक्टिव होता है हुआ, ये जो इनएक्टिव होता है, अभी देखिए अब क्या होगा, ये किडनी से गुजरेगा, ये जो आपका 25 हाइड्रोक्सी CCF है ये क्या होगा, किडनी से गुजरेगा और ये किस में कन्वर्ट होगा, 1 to 125 मैंने 1 to 5 डाई हाइड्रोक्सी कोली कैल्किफेरॉल, मतलब कि ये जो तुम आपका इतना बड़ा, ये जो आपका कोली कैल्किफेरॉल था वहां पे क्या करेगा, फर्स्ट कार्बन पे वहां पे OH का एडिशन करवा देगा, और तो दो ठो अभी एक 25 पे लगा हुआ है, एक पे लगा तो डाइहाइड्रोक्सिस CCF हो गया हुआ, ये अब क्या हो गया, एक्टिव हो गया है, ये एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी हो गया है, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी हो गया, समझे क्या। अब ये क्या करता है, हम लोग का काम करता है, ये चीज क्या करता है, ये काम करता है, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी क्या करता है, ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराता है, कहाँ से, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गट है ना, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गट, समझे। अब एक और चीज होता है कि ये वाले जो किडनी के कौन से सेल में होता है, किडनी के कौन से सेल में, कौन सा सेल कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करता है ना, कौन सा सेल कन्वर्ट करता है, कौन सा, ये जो
जो 25 हाइड्रोक्सी कॉर्गीफेरोल था ये किसमें कन्वर्ट हुआ, 125 डाइहाइड्रोक्सी CF है ना, ये किडनी के कौन से सेल करते हैं, कौन से सेल करते हैं यार? वाह, तो मैंने कहा कहा PCT, क्या करते हैं? PCT, PCT वाले सेल जो तो आपके किडनी में जो नेफ्रॉन है, ये आपका जो क्या है नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में ये वाले सब सेल होते हैं यहाँ पे, तो ये क्या है PCT। PCT के जो सेल्स होते हैं यहाँ पे एक एंजाइम होता है अल्फा वन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, अल्फा वन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है, यही वाला जो एंजाइम है ना यही कन्वर्ट करता है, यही एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, समझे क्या? ये जो अल्फा वन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है ये आपका किस में कन्वर्ट करता है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो आप बोलोगे कि भैया ये पीसीटी को कैसे पता चला कि भैया इसको कन्वर्ट करना है, ये पीसीटी को कैसे पता चला कि ये कन्वर्ट करना है? वाह, तो इसको कौन डायरेक्शन देता है, इसको डायरेक्शन कौन देता है? तो पाराथायरॉयड ग्लैंड, पाराथायरॉयड ग्लैंड जो होता है ना, पाराथायरॉयड ग्लैंड ये आपका पीसीटी के जो सेल्स हैं, पीसीटी के सेल्स को डायरेक्शन देते हैं कि भैया क्या करो, इसको एक्टिवेट कर दो, एक्टिवेट कर दो। वाह, अब बोलो कि पैराथायरॉइड ग्लैंड कैसे इसको एक्टिवेट करेगा, इसको कैसे पता है कि भैया हमारा मैंने इसको एक्टिवेट करूं या नहीं करूं, सब तो अपने मन से नहीं ना होगा, तो पैराथायरॉइड ग्लैंड कैसे अब एक्टिवेट होगा? मैंने पैराथायरॉइड ग्लैंड से जो तो आपका जो पैराथायरॉइड हार्मोन है, ये जो पैराथायरॉइड या पैराथायरॉइड ग्लैंड से क्या निकलेगा, पैराथायरॉइड हार्मोन, पैराथार्मोन है ना, पैराथायरॉइड हार्मोन है कि नहीं, पैराथायरॉइड हार्मोन, तो ये कैसे इसको ये कैसे निकालेगा, मैंने ये ग्लैंड जो है कैसे डायरेक्शन देगा, समझे? अच्छा एक चीज समझिए, हम लोग का अभी एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी अगर करना है तो हम लोग का बॉडी में क्या है, मतलब कैल्शियम की क्या हो रही होगी, कमी होगी तभी ना इसको एक्टिवेट करेंगे, तो अगर विटामिन डी जब एक्टिवेट हो जाएगा तो कैल्शियम का क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करवाएगा, है कि नहीं? विटामिन डी का काम क्या है कि भैया कैल्शियम मतलब इधर उधर घूम रहा है ना, इधर उधर मान के चलो एक जेल है, जेल में सब कैदी है ना, जेल में कैदी है, तो ये जो कैदी है ना ये सब आपके कैल्शियम है, और वहां पे जेलर जो है कौन है, जेलर वो क्या है विटामिन डी, वो क्या करेगा सब कैदियों को पकड़ेगा और सबको जेल में डाल देगा, और जेल कहाँ है तुम्हारा, कहाँ पे मतलब ये आपके बोन वगैरह में डाल देगा, डिपोजिशन करवा देगा या फिर कहीं जहां पे चाहिए वहां पे भेज देगा, समझे? तो कैसे करवाता है एक बार समझेंगे, समझना है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं समझते। तो पाराथायरॉयड ग्लैंड में क्या होता है, चीप सेल होते हैं, क्या होते हैं चीप सेल, चीप सेल जो होते हैं इसके ऊपर क्या होता है यार, चीप सेल के ऊपर क्या होता है, रिसेप्टर होते हैं, इसके ऊपर रिसेप्टर होते हैं, बोलते हैं कौन सा रिसेप्टर, तो कैल्शियम रिसेप्टर, कैल्शियम रिसेप्टर। तो आपके बॉडी में जब आपके बॉडी में कैल्शियम का लेवल अगर नॉर्मल है, क्या है नॉर्मल है, तो ये क्या करेगा यहाँ पे बाइंड कर देता है, क्या करता है कैल्शियम यहाँ पे क्या करता है, बाइंड कर देता है, और जब बाइंड कर जाएगा तो चीप सेल से क्या होता है, पाराथायरॉयड हार्मोन का, पाराथायरॉयड हार्मोन का निकलने को मना कर देता है, मना कर देता है, मना कर देगा कि भैया देखो कैल्शियम बॉडी में है, मैं बैठा हूं मेरे पे लग गया है, मतलब अभी तुझे निकलना नहीं है, समझे? अब पैराथायरॉइड क्या होगा, निकलेगा क्या, अभी हमारे बॉडी में कैल्शियम अगर लेवल अच्छा खासा है तो निकलेगा, नहीं निकलेगा, लेकिन मान के चलिए हम लोग का कैल्शियम लेवल कम हो गया, हमारे बॉडी में क्या हुआ कैल्शियम का लेवल कम हो गया, जब कैल्शियम का लेवल कम हो गया तो जो रिसेप्टर है यहाँ पे चीप सेल के ऊपर रिसेप्टर जो है वो यहाँ क्या है, जो कैल्शियम लगेगा नहीं, यहाँ पे रिसेप्टर लगेगा नहीं, तो जब ये नहीं लगेगा तो ये बोल देगा भैया मेरे पास देखो आजू बाजू कोई दिख नहीं रहा है, मुझे कैल्शियम वैल्शियम दिख नहीं रहा है, इसका मतलब कि भैया कुछ ना है आगे पीछे कुछ ना है, हमारे बॉडी में ना है कैल्शियम, तो ये फिर चीप सेल क्या बोलेगा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अब चलो पाराथायरॉयड हार्मोन बना के रिलीज कर देते हैं, समझे क्या? अब ये रिलीज हो जाएगा तो इससे क्या होगा, एक्टिव क्या हो जाएगा, ये जब रिलीज होगा तो ये क्या करेगा, एक्टिवेट द सेल ऑफ कौन सा, पीसीटी है ना, अब पीसीटी में क्या है अल्फा वन
हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, अल्फा वन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है कि नहीं, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम अल्फा वन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम क्या करेगा, ये आपका 125 डाइहाइड्रोक्सी CCF में कन्वर्ट कर देगा, और ये क्या है, एक्टिव फॉर्म है, ये एक्टिव फॉर्म ऑफ क्या है, विटामिन डी, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी है, समझे, ये जो एक्टिव फॉर्म विटामिन डी है, अब ये आपका गट में जाएगा और क्या करेगा, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करा के किस में डालेगा, कैल्शियम का आपका एब्जॉर्प्शन कराएगा और किस में डालेगा, ब्लड में इसको डाल देगा, ब्लड में डालेगा, समझे। तो ये हम लोग का हुआ मेटाबॉलिक फंक्शन, है ना, कि हम लोग भैया इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी को एक्टिवेट, मतलब किस में, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी में लाए, है ना, और विटामिन डी फिर कैसे हम लोग का बॉडी में काम करता है, और विटामिन डी जो होता है एक्टिव फॉर्म में जब होता है तो वो कहाँ पे, किडनी में होता है, है ना, किडनी के जो सेल्स होते हैं वो कौन से सेल्स होते हैं, तो आपका पीसीटी होता है, और पीसीटी वाले सेल में कौन करवाता है, कौन सा एंजाइम कराता है, तो अल्फा वन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम करवाता है। अब अल्फा वन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को एक्टिवेट कौन करता है, मतलब पीसीटी के जो सेल्स से एक्टिवेट कौन करता है, तो पैराथायरॉइड हार्मोन करता है, और पैराथायरॉइड हार्मोन कैसे पता चलता है, कैल्शियम लेवल कम है, तो उसके पास जो चिप सेल होते हैं वहाँ पे कैल्शियम का, अगर कैल्शियम जो लगा हुआ है अगर नहीं लग पाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि अगर हमारे बॉडी में कैल्शियम नहीं है, और वो क्या करवाएगा, हम लोग का पैराथायरॉइड हार्मोन रिलीज करवाएगा और जाके एक्टिवेट करेगा किसको, पीसीटी को। आई होप आप सब समझ गए होंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।